हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो नेटवर्क एनालिसिस का ये लेक्चर नंबर 35 है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक क्वांटिटी ऑफ अ साइनोसोइडल सिग्नल। ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एसी सर्किट के बारे में। तो एसी सर्किट में आपके फ्रिक्वेंटली इन साइनोसोइडल सिग्नल्स का यूज होने वाला है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम इसकी बेसिक क्वांटिटीज और इसकी बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएं और आगे कोई भी टर्म इसका जब यूज होगा तो आपको कोई भी उस चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्यों हम एसी करंट को डीसी करंट के ऊपर प्रेफर करते हैं, या जो हमारे घरों में सप्लाई आती है एसी सप्लाई, वो क्यों आती है, वो डीसी सप्लाई क्यों नहीं आती है। तो ये हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे एसी क्वांटिटी को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक साइनोसोइडल सिग्नल से। साइनोसोइडल सिग्नल का मतलब क्या है, या तो आपकी ये साइन वेव हो सकती है या कोसाइन वेव हो सकती है। ये जो वेव यहाँ पर रिप्रेजेंट है, ये एक वोल्टेज की वेव फॉर्म यहाँ पर गिवन है। वी आपका वोल्टेज है, वी एम इसकी मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव साइड में, और माइनस वी एम इसकी नेगेटिव साइड में मैक्सिमम वैल्यू है। ये आपकी एक साइन वेव है। चूंकि ये एक एसी क्वांटिटी है, इसलिए इसका जो वोल्टेज है या करंट है वो साइनोसोइडली इस तरीके से वेरी होगा। अगर ये डीसी वोल्टेज होता तो आपका ये जो वोल्टेज है ये एक फिक्स क्वांटिटी होता, ये आपका टाइम के साथ वेरी नहीं होता। लेकिन ये एसी क्वांटिटी है तो ये आपका टाइम के साथ वेरी हो रहा है, और यही इसका प्लस पॉइंट है कि ये टाइम के साथ वेरी होता है। और इसके इस तरीके के वेरिएशन के जो भी एडवांटेज थे ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे इसके बेसिक टर्म्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे जो वी एम है ये इसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। टी आपका क्या है, ये जो कैपिटल टी है ये इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है, मतलब इस टाइम पीरियड के बाद ये वेव अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगी। इस टाइम पीरियड तक ये वेव आपकी यूनिक है, इस टाइम पीरियड के बाद ये वेव अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये आपका जो टी है कैपिटल टी, ये हो जाएगा इस वेव का टाइम पीरियड। ओमेगा आपका क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इस वेव को हम इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, वी ऑफ टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू है, ओमेगा टी आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइनोसॉइड। ये हम दोनों टर्म आगे डिस्कस करने वाले हैं ये ओमेगा के बारे में। अभी आपको सिंपल इस वेव के बारे में देखना है। इस वेव में अगर हम इस टाइम पीरियड को 1 सेकेंड ले लेते हैं, तो इस वेव का जो टाइम पीरियड होगा ये कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के बाद ये जो वेव है ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर रही है, तो इसका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 1 सेकेंड। अब यहाँ पे बात आती है आपके इस वेव की फ्रीक्वेंसी की। अब यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी होती है कितनी साइकिल्स हैं, यानी साइकिल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स हैं। तो अगर इस वेव का जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में इसकी क्या, 1 साइकिल ही रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1। और फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट है वो होती है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज को हम लिख सकते हैं साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज। तो इस वेव की जो फ्रिक्वेंसी है ये हो जाएगी 1 हर्ट्ज। ये तो हुई आपकी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी की बात। अब अगर हम यहाँ पे इस नॉर्मल फ्रिक्वेंसी को एंगुलर फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो सकता है आपका, तो ये जो हमारे पास साइनोसोइडल वेव थी वो थी इस वोल्टेज के लिए। ये टी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे या पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वी एम साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी समझने के लिए हम इस साइनोसोइडल वेव को एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये सर्कल है, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, और ये यहाँ पे 3π/2 है, और ये 2π है। तो 0 से लेकर 2π तक इसका एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब इसको और इसको हम किस तरीके से यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो ये साइनोसोइडल वेव हमारे पास है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट आपका ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा, तीसरा पार्ट आपका ये हो जाएगा, और चौथा पार्ट आपका ये हो जाएगा। वैसे ही हमने इस सर्कल को यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने टाइम की वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट की है तो आपका वोल्टेज यहाँ पे आ गया, वैसे ही हमने टाइम की वैल्यू जैसे इंक्रीज की तो इसका एंगल इंक्रीज होके यहाँ पे आ गया।
हमने टाइम की वैल्यू फर्दर इंक्रीज की तो ये वोल्टेज आपका यहाँ पे आ गया, हमने वैसे ही टाइम की वैल्यू इंक्रीज की तो ये आपका एंगल इंक्रीज होके यहाँ पे आ गया, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक टाइम इंक्रीज किया तो वोल्टेज आपका यहाँ आ गया, और यहाँ पे टाइम इंक्रीज किया तो आपका एंगल ये हो गया, फिर इंक्रीज किया तो आपका ये एंगल 2π हो गया और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं, ये सिंपल फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में है, सिंपल साइनोसॉइडल फॉर्म में है, और इसको हमने एंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, इसमें जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसमें ये वोल्टेज की वैल्यू आ रही है अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे, और इसमें जैसे जैसे टाइम इंस्टेंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपके एंगल की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हमें मिल रही है। तो इस सिंपल साइनोसॉइडल वेव को हमने यहाँ पर एंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं। अब यहाँ पे जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी थी ये थी आपकी साइकिल पर सेकंड में, और यहाँ पे इस एंगुलर फॉर्म में जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी अब ओमेगा, ओमेगा आपकी होगी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और ये होगी आपकी रेडियन पर सेकंड में, ये थी साइकिल पर सेकंड में, ये होगी रेडियन पर सेकंड में। तो यहाँ पे जो ये एफ आपकी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी थी ये आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितनी साइकिल इसकी कंप्लीट हो रही हैं, वो थी आपकी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी। और ओमेगा जो कि आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ये क्या हो जाएगी, ये होगी आपकी रेडियन पर सेकंड में, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन इसमें हो रहा है, ये होगी आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो एफ थी आपकी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी इस साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए, ओमेगा होगी आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी इस एंगल वाले सर्किल के लिए। तो ओमेगा हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में यहाँ पे कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये हुई आपकी एफ और ओमेगा की बात। अब यहाँ पे हमने इस सर्किल को फिर से साइनोसॉइड से रिप्रेजेंट किया है, जैसे ये आपका Vm हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वोल्टेज ये माइनस Vm हो जाएगा, ये जीरो, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। तो हमने इस साइनोसॉइडल सिग्नल को कुछ इस तरीके से यहाँ पे एंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, एफ होगी आपकी साइकिल पर सेकेंड में, एफ आपकी क्या है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, मतलब 1 सेकंड में कितने साइकिल्स आपके कंप्लीट होते हैं। वहीं एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपकी क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में यहाँ पे कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट होते हैं, ये होगी आपकी रेडियन पर सेकंड में। और ओमेगा को हम लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 साइकिल डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड टू कम्प्लीट 1 साइकिल। तो ये ओमेगा का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ओमेगा आपका क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 साइकिल, मतलब 1 साइकिल में कितना एंगुलर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट किया तो 1 साइकिल में यहाँ पे 0 से 2π तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2π डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड टू कम्प्लीट 1 साइकिल। 1 साइकिल को कम्प्लीट करने में हमें जो भी यहाँ पे टाइम पीरियड लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगी इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हम और अच्छे से देखते हैं, ये सर्कल है आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी के लिए। अगर हमें एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 1 सेकंड का समय लगता है, मतलब 1 रेवोल्यूशन होता है आपका 1 सेकंड में, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, यहाँ पे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2π। तो ये हो जाएगा आपका 2π डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड टू कम्प्लीट 1 साइकिल। तो टाइम पीरियड कितना लगा, हमने क्या माना था, 1 रेवोल्यूशन करने में 1 सेकंड लगता है, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 2π डिवाइडेड बाई 1 सेकंड, यानी 2π रेडियन पर सेकंड आपकी हो जाएगी ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी। वैसे ही हम अगर इसको नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से कंपेयर करें तो ये अगर आपके पास एक साइनोसॉइडल सिग्नल है जो इस तरीके से वेरी हो रहा है, इसके यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में हमें 1 सेकंड लगता है, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हो जाएगी यहाँ पर कितनी, 1 हर्ट्ज या 1 साइकिल पर सेकंड। वैसे ही अगर इसको हम एंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कुछ इस तरीके से, और ये पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में यहाँ पे हमें 0 से 2π तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी कितनी यहाँ पे,
2 पाई डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड यानी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब अगर हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर दी, अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमने इंक्रीज कर दी है यहाँ पे 1 हर्ट्ज से 2 हर्ट्ज कर दी है, मतलब क्या हो जाएगा, एक सेकेंड में 2 साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, ये तो एक साइकिल यहाँ तक एक साइकिल यहाँ तक, और ये जो टाइम लगेगा वो लगा हमें अगर 1 सेकेंड, तो एक सेकेंड में 2 साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी यहाँ पे आपकी 2 हर्ट्ज। वहीं पे अगर हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, अगर यहाँ पे एक सेकेंड में 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं तो ओमेगा का जो फॉर्मूला था वो क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 साइकिल, अगर यहाँ पे एक सेकेंड में 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं तो एक रेवोल्यूशन के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 साइकिल, तो यहाँ पे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, 0.5 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंड में 2 रेवोल्यूशन हो रहे हैं और यहाँ पे हमें टाइम पीरियड चाहिए केवल एक रोटेशन का, तो 0.5 सेकेंड हो जाएगा। तो इसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ये हो जाएगी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मल फ्रिक्वेंसी और एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बारे में, और यहीं से हम इनके बीच में जो फॉर्मूले हैं वो डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 2 पाई, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डिवाइडेड बाई एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, ये हो जाएगा ओमेगा का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। और टी आपका क्या होता है, 1 अपॉन नेचुरल फ्रिक्वेंसी, तो ओमेगा आपका यहाँ से हो जाएगा 2 पाई इंटू, ये आपके हो जाएंगे बेसिक फॉर्मूलेज, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी और नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बीच में रिलेशन। अब इन्हीं से आप कुछ और फॉर्मूले भी डेवलप कर सकते हैं, टाइम पीरियड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई बाई ओमेगा, और अगर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है ओमेगा टी की वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपके पास 2 पाई, ये क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ साइनोसॉइड, जिसकी यूनिट होगी यहाँ पे रेडियन, क्योंकि ओमेगा है आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड इंटू टी, टी है आपका सेकेंड, तो इसकी ओमेगा टी की यूनिट होगी रेडियन, और ओमेगा टी आपका क्या है, ये वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी, ये वाली वैल्यू, और इसका मतलब क्या है, ओमेगा टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें वोल्टेज मिल जाएगा, जैसा कि इस वेव फॉर्म में है, ओमेगा टी की जैसे जैसे हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे जो कि एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी, तब हमें इस हर इंस्टेंट पे वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे ओमेगा टी रेडियन में। जैसे कि अगर हम बात करें मैं इस इंस्टेंट पे ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा टी की वैल्यू हम इस इंस्टेंट पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इंस्टेंट पे हो जाएगा आपकी ये वैल्यू ओमेगा टी बाई टू यानी 2 पाई बाई टू यानी पाई। तो देखिए इस इंस्टेंट पे जो ओमेगा टी की वैल्यू है ये कितनी है, पाई। अगर हम बात करें कि हमें इस इंस्टेंट पे ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए, तो इस इंस्टेंट पे जो टी है, टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टी बाई फोर, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी बाई फोर, यानी ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाई फोर, और ये हो जाएगा आपके पास पाई बाई टू, तो इस इंस्टेंट पे जो ओमेगा टी की वैल्यू है ये कितनी है, पाई बाई टू। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, मतलब एंगुलर फॉर्म में यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ये होगा आपका ओमेगा टी, जिसकी यूनिट होगी यहाँ पे रेडियन, मतलब हम पर्टिकुलर हर इंस्टेंट पे इसका एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे इसका एंगल कितना होगा ये हमें मिलेगा ओमेगा टी की वैल्यू से। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो आपको ये साइनोसॉइड के बारे में इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब साइनोसॉइडल सिग्नल आपका क्या, एक पीरियोडिक सिग्नल होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये क्या है आपका, एक पीरियोडिक सिग्नल है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी ऑफ टी से, और ये अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो ये आपका इक्वल होना चाहिए यहाँ पे वी ऑफ टी प्लस टी के, मतलब इसमें अगर हम इस टाइम पीरियड को ऐड कर दें तो भी इसका जो वोल्टेज है ये सेम होगा, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता है। तो यहाँ पे V अगर आपका है वी एम साइन ओमेगा टी, और इसमें अगर हम टी ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास वी एम साइन ओमेगा, और ये टी में हमने इसका जो टाइम पीरियड है वो ऐड कर दिया, तो ये दोनों वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए।
अब यहाँ पे हम जानते हैं ओमेगा आपका कितना होता है, 2 पाई बाई टी, तो टी आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा, और ये हो जाएगा टी प्लस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा। अब ओमेगा का यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास वी एम साइन, और ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस ओमेगा से ओमेगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 पाई। और इसमें जब आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, यानी कॉस 2 पाई प्लस ये हो जाएगा आपके पास वी एम साइन 2 पाई इंटू कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो कॉस 2 पाई है उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे जो साइन 2 पाई है, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी आपका इक्वल हो गया वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये आपकी एक पीरियोडिक वेव है जो कि एक टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रही है। अब यहाँ पे हम इसका कुछ शिफ्टेड वर्जन भी देख लेते हैं, जैसे ये आपके पास एक नॉर्मल साइनोसोइडल वेव है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और इसकी वैल्यू अगर वी एम है, इसकी वैल्यू माइनस वी एम है, तो इसको हम लिखते हैं वी ऑफ टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी से। अगर इसको हमने शिफ्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, अगर ये हमारी वेव है और ये थीटा एंगल से शिफ्ट हो गई है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये थीटा है, ये ऊपर की जो वैल्यू है ये वी एम है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास पाई माइनस थीटा, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपके पास 2 पाई माइनस थीटा। मतलब ये जो आपकी ओरिजिनल साइनोसोइडल वेव थी ये आपकी क्या लीड कर गई इस थीटा एंगल से, थीटा एंगल से। अब जब ये लीड कर गई तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी ऑफ टी से, जो हो जाएगा आपका वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल से ये वेव आपकी लीड कर गई। वैसे ही अगर ये थीटा एंगल से अगर लैग कर जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये हो जाएगा थीटा, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी थीटा प्लस पाई, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी थीटा प्लस 2 पाई, और इसकी जो इक्वेशन होगी वी ऑफ टी ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो ये हो जाएगी आपकी लैगिंग वेव और ये हो जाएगी लीडिंग वेव, ये लीड कर रही है थीटा एंगल से ये देखिए, और ये लैग कर रही है थीटा एंगल से, और यहाँ पे जो वेरिएबल होगा ये हो जाएगा ओमेगा टी, इन तीनों में ओमेगा टी, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी साइनोसोइडल सिग्नल्स के बारे में। वैसे आप साइन और कॉस सिग्नल के बारे में जानते ही होंगे, साइन और कॉस सिग्नल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है केवल 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। तो अगर साइन वेव में हम 90 डिग्री ऐड कर दें, अगर हमारे पास साइन है और उसमें हमने 90 प्लस थीटा कर दिया तो हमारे पास आ जाएगी कॉस थीटा, और अगर हमारे पास कॉस 90 प्लस थीटा हमने किया तो ये हो जाएगी साइन थीटा। मतलब इन दोनों में केवल 90 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है, बाकी जो वेव का स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। तो ये बेसिक हुआ आपका साइनोसोइडल सिग्नल्स के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसी क्वांटिटीज के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू की, पीक वैल्यू की, एवरेज वैल्यू की और आरएमएस वैल्यू की। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।